दोस्तों आपने अपने लाइफ में लिखने के लिए नोटबुक का यूज तो एक बार जरूर किया है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये नोटबुक बनते कैसे हैं? क्या आप जानते हैं कि आखिर एक पेंसिल को बनाया कैसे जाता है? साथ ही क्या आप जानते हैं कि कलर पेंसिल के लीड नॉर्मल पेंसिल के लीड के मुकाबले कमजोर क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि एक हाइलाइटर बनाए कैसे जाते हैं? तो दोस्तों इन सारे प्रोसेस को देखने और जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। हाइलाइटर मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले इन प्लास्टिक इंग्रेडिएंट्स को एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जो ऑटोमेटिकली इनके पार्ट्स को तैयार कर देती है। इन पार्ट्स को तैयार करने में इस मशीन को मात्र 2 मिनट से भी कम का समय लगता है। अब इसके बाद प्रोसेस आता है इंक बनाने का। तो सबसे पहले पानी के अंदर इंक मिक्स किया जाता है, साथ ही कलर के हिसाब से इसके अंदर कलर डाई एड किया जाता है, जिसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिर कुछ देर मिक्स होने के बाद इनके कलर को चेक कर लिया जाता है। नाउ अब हाइलाइटर के सारे पार्ट्स को ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा रेडी करके उन्हें एक जगह इकट्ठा करके एक एडवांस मशीन द्वारा गुजारा जाता है, जिसमें सबसे पहले एक प्रिंटिंग मशीन द्वारा इनमें ब्रांड्स और लोगो प्रिंट कर दी जाती है। इसके बाद इनमें इंक रिजर्वियर इंसर्ट किया जाता है। ये होने के तुरंत बाद इनमें एंड कैप लगा दी जाती है, फिर इंक भी भर दी जाती है, साथ ही इनमें टिप भी लगा दी जाती है, और इसके बाद एंड क्लिप लगा दी जाती है। फिर इन्हें अच्छे से प्रेस भी कर दिया जाता है, और फाइनली इनकी क्वालिटी चेक होती है, और एट द एंड इन्हें पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। स्पाइरल नोटबुक मेकिंग प्रोसेस। नोटबुक बनाने के लिए सबसे पहले पेपर का बंडल लिया जाता है, फिर एक फिक्स वजन के हिसाब से इन्हें इकट्ठा किया जाता है, और इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट करके नोटबुक के साइज का बंडल बना लिया जाता है। अब इन बंडल्स के चारों कोनों को एक कटिंग मशीन द्वारा बराबर कर लिया जाता है। अब इतना करने के बाद इन सारे पेपर शीट्स को एक मशीन द्वारा गुजारा जाता है। अब ये शीट्स रेडी हो चुकी है, तो अब इनके लिए कवर्स की जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले इन कवर्स में एक मशीन द्वारा होल कर दिया जाता है, और फिर इनके चारों कोनों को भी बराबर कर लिया जाता है। नाउ अब फिक्स वेट के अनुसार इन पेपर शीट्स को कवर के अंदर डाल दिया जाता है। फाइनली अब बारी आती है पेपर शीट्स और कवर को एक नोटबुक का रूप देने की, जिसके लिए मशीन द्वारा इनमें स्पाइरल स्प्रिंग डाला जाता है, जिससे ये प्रॉपर एक नोटबुक बन जाते हैं। फिर इन नोटबुक्स को वर्कर द्वारा पैक कर दिया जाता है, और फिर मार्केट में इनकी सप्लाई कर दी जाती है। पेंसिल मेकिंग प्रोसेस। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पेंसिल का जो लीड होता है वो असल में ग्रेफाइट का बना होता है, जिसके चलते ही इनके लीड इतने मजबूत होते हैं। तो पेंसिल मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले इन लीड्स को तैयार किया जाता है, जिसके लिए ग्रेफाइट और मिट्टी को मिक्स किया जाता है। अब इनको एक फिक्स्ड अमाउंट में पानी से मिक्स किया जाता है। उसके बाद इन लीड्स को प्रॉपर तरीके से एक प्रेसिंग मशीन में प्रेस किया जाता है, और ये मशीन इन लीड्स को उसके साइज के हिसाब से निकालते जाती है। अब उस टाइम ये लीड्स स्मूथ होती हैं, तो इन्हें हार्ड करने के लिए इन्हें ओवन में कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। अब जैसा कि आपने भी पेंसिल यूज किया होगा, तो ये बात आपको भी पता होगा कि इसका लीड कितना मजबूत होता है। इसके लिए इन्हें और हार्ड करने के लिए इसे फायर भी सप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद इन लीड्स को कुछ देर के लिए वैक्स में अच्छे तरीके से भिगोया जाता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो कलर पेंसिल होती हैं रंग बिरंगी, उनमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उनके लीड बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। दरअसल वो इसलिए सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनके लीड सिर्फ पाउडर पेंट से बने होते हैं, ना कि ग्रेफाइट से, और उन्हें बस ड्राई ही किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं पेंसिल बनाने के प्रोसेस की। तो लीड्स तैयार होने के बाद अब इन लीड्स को लकड़ी के अंदर डालने के लिए लकड़ी को एक मिलिंग मशीन से गुजारा जाता है, जो इनमें लीड के साइज का होल क्रिएट कर देती है, और इनमें मशीन द्वारा ग्लू भी अप्लाई की जाती है ताकि लीड अपनी जगह फिक्स चिपक कर रहे। अब बारी आती है इन स्पेस लीड्स में लीड भरने की। अब इतना होने के बाद सेम स्पेस लीड वाली लकड़ी को ऊपर से चिपकाया जाता है, और फिर कुछ टाइम के लिए इन्हें सुखाया जाता है। अब जब ये सूख के टाइट हो जाते हैं, तो इन्हें एक एडवांस मशीन द्वारा कट कर लिया जाता है। अब बारी आती है इनके पेंट की, तो अलग अलग कलर में इनकी पेंटिंग कर दी जाती है। फिर इसके बाद से इन पे कंपनी के स्टैंपिंग की जाती है। इतना होने के बाद इनकी लाइटिंग बढ़ाने के लिए इन्हें फिर से पेंट में डुबोया जाता है, जिसके बाद से इन्हें कुछ समय के लिए एक ड्राइंग रूम में सुखाया जाता है। फाइनली अब बारी आती है फिनिशिंग की, तो एट द एंड इनकी क्वालिटी चेक होती है, इनका राइटिंग प्रेशर चेक किया जाता है, इनके लीड को शार्प किया जाता है, और फाइनली नंबर्स के हिसाब से इनकी पैकिंग कर दी जाती है, और फिर मार्केट में इनकी सप्लाई कर दी जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने को सबसे पहले मिले। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।